स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश ग्रामर रिवीजन फॉर FA2 पार्ट 1 क्वेश्चन 1 MCQs नंबर 1 हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एन इंग्लिश ग्रामर आंसर इज 8 नंबर 2 कॉल्ड एन एडजेक्टिव आंसर इज वर्ड विच टाइप्स नाउन नंबर 3 प्रोनाउंस विच पॉइंट्स आउट द पर्सन और थिंग रिफर्ड टू मीन्स ऐसा प्रोनाउंस जो पॉइंट आउट करता है पर्सन और थिंग्स को सो द आंसर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नंबर 4 प्रोनाउंस विच आर यूज टू इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लोजेस आंसर इज रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो डिपेंड होता है अपने इंट्रोडक्शन पे तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस नंबर 5 प्रोनाउंस विच आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन सो आंसर इज इंट्रोगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव ऐसा प्रोनाउन है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है नंबर 6 प्रोनाउंस विच रिफर टू द स्पीकर आंसर इज पर्सनल प्रोनाउन नंबर 7 हु हुम हुज विच एंड व्हाट आर व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन आंसर इज इंट्रोगेटिव व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव बिकॉज दिस वर्ड्स आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन नंबर 8 दिस दैट दिस एंड दोज आर व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउंस आंसर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नंबर 9 व्हाट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन आंसर वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन मीन्स ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है नंबर 10 एंड लास्ट फाइंड आउट द प्रोनाउन हु इज एब्सेंट टुडे आंसर इज हु क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव और पजेसिव यू हैव टू राइट इन द ब्लैंक्स नंबर 1 डैश अमाउंट्स डू यू वॉन्ट टू डिपॉजिट इन डैश बैंक अकाउंट सो द आंसर इज कमिंग विच इन बोथ ब्लैंक्स मीन्स विच अमाउंट डू यू वॉन्ट टू डिपॉजिट इन विच बैंक अकाउंट नंबर 2 डैश बुक बिलोंग टू मी आंसर इज दिस मीन्स दिस book belong to me number 3 it is dash umbrella but I can lend it to you for a day answer is my number 4 dash books were found in the garden answer is which number 5 dash well in dash compound goes dry in summer this well in my compound goes dry in summer number 6 dash short of man is he answer is which number 7 we live in mumbai but dash native place is in kerala answer is my number 8 dash shoes need immediate repairs answer is this number 9 dash bag did you find on the road answer is whose number 10 and last dash train runs faster The Deccan Queen or the Shatabdi Express. You have to write these two exercises as a revision in your notebook. Thank you.